Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 8, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन. आज बेटा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स. ठीक है ना, पर्यावरण के बारे में डिस्कस करेंगे और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ. तो ये पार्ट नंबर 1 होगा हमारा. और ये क्या है बेटा, पार्ट नंबर 1 है. पिछली जो चैप्टर हैं उनकी जो वीडियो है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. हर एक चैप्टर पे हमने टॉपिक वाइज जो वीडियो है वो बना रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं. नोट्स हैं, आप उनको आसानी से अपनी जो नोटबुक है उनके अंदर प्रिपेयर है वो कर सकते हो. फिर भी यदि आपको कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनको जल्दी ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश है वो करूँगा. ठीक है ना बेटा, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं चैप्टर के बारे में. क्या क्या जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हैं वो करेंगे हम. ये रहा बेटा आपके बारे में. ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी और आप एज इट इज़ हैं, ये नोट्स ही हैं, आप इनको उतार सकते हो. इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है कि 1960 के दशक में, 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा है. कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये बता रखा है कि 1960 के दशक से, दशक मतलब 10 साल ऐड कर दीजिए, 1970 के आसपास, 1970 के आसपास क्या हुआ, जो पर्यावरण का जो मसले हैं या मतलब जो मुद्दे हैं उन्होंने जोर पकड़ा. ठीक है ना, जोर पकड़ने का मतलब है कि लोग इसके प्रति जागरूक हुए. अब पर्यावरण के मसले पर विभिन्न देश बात करने के लिए तैयार हैं. इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1960 के दशक में और अब धीरे धीरे हर एक देश पर्यावरण को लेकर चिंतित है, उस पर बात करने के लिए तैयार हो रहा है. ये नहीं है कि भाई जो पर्यावरण है उसकी समस्या केवल अमेरिका को ही है, भारत को ही है, ऐसा नहीं है. अब हर एक देश इस चीज़ को लेकर जागरूक हो रहा है और आपस में बात कर रहा है कि कैसे पर्यावरण को जो सेफ है वो किया जा सकता है, सुरक्षित है वो रखा जा सकता है, ये चीज़ें. अब हम बात करेंगे पर्यावरण में विभिन्न समस्याएं, कि पर्यावरण में कौन कौन सी समस्याएं हैं वो आ रही हैं या पर्यावरण है वो कैसे दूषित है वो हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे. हेडिंग है वो आप डाल सकते हैं और पॉइंट यहां से मैं बताता रहूंगा आपको. कृषि योग्य भूमि घट रही है, क्या हो रहा है, पहला जो पॉइंट है वो है बेटा कृषि योग्य जो भूमि है वो घट रही है. क्यों, क्योंकि लगातार जो पॉपुलेशन है और जो इंडस्ट्री है, पॉपुलेशन और उद्योग, जनसंख्या और जो उद्योग हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण कृषि योग्य जो भूमि है वो भी घटती जा रही है, वो कम होती जा रही है. चरागाहों में चारे ख़त्म हो रहे हैं, चरागाहों में जो चारे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो घास है वो ख़त्म हो रही है, या कहने का मतलब है कि जो चरागाह हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. जो गवर्नमेंट है वो इनका यूज अलग अलग पर्पज के लिए है वो कर रही है. मत्स्य भंडार घट रहा है, कि मतलब जो मछलियां हैं समुद्र के अंतर्गत वो लगातार घट रही हैं, इसका कारण है पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. ठीक है, जैसे मैं वाटर पोल्यूशन में यदि मैं बात करूं यहाँ पे आपके साथ है, तो क्या होगा, जैसे ऑयल लीक, ठीक है ना, तेल का रिसाव हो जाता है. और जैसे हम क्या कर देते हैं, हम अपना जो भी गार्बेज है वो नदियों में डाल देते हैं, इसके कारण क्या होता है, जैसे प्लास्टिक हुआ, ये पोलिथीन है, ये सारी जो चीज़ें क्या होती हैं, ये रिवर के द्वारा समुन्द्र के अंतर्गत हैं वो चली जाती हैं और मछलियों के जीवन पर एक गहरा जो प्रभाव है वो डालते हैं, जिसके कारण इनकी भी जो संख्या वो लगातार कम होती जा रही है. जल प्रदूषण बढ़ रहा है, ये मैंने इसी में क्लियर कर दिया, जल की कमी हो रही है, मतलब पानी के जो स्वच्छ जल है उसकी जो कमी है वो आपको देखने को मिल रही है. खाद्यान्न उत्पादन में कमी हो रही है, लगातार क्या हो रहा है कि जो खाद्यान्न जो है उत्पादन है उसमें कमी है वो आपको देखने को मिल रही है. विकासशील देशों में पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, ऊपर पानी वाली जो प्रॉब्लम है वो मैंने यहीं पे डिस्कस है वो कर दी है, ऊपर भी मैं डिस्कस है वो कर चुका हूँ इसको. वनों की अंधाधुंध कटाई है वो हो रही है, क्यों हो रही है ये भी बता दिया मैंने, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की जो आवश्यकताएं वो बढ़ रही है, ज़्यादा लालच है वो भी बढ़ रहा है. जैव विविधता को भी बहुत हानि हो रही है, या जैव विविधता को भी नुकसान है वो हो रहा है, ये भी मैंने बता दिया कि जब वन है वो कटेंगे तो वनों में रहने वाली जो जीव है वो कहाँ जाएंगे,
ठीक है ना, वो आबादी की तरफ भागेंगे, शहरों की तरफ भागेंगे, और शहरों में जब वो भागेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। ठीक है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, ओजोन परत का लगातार क्या हो रहा है, डिप्लेशन है वो हो रहा है। जो ओजोन परत है वो लगातार क्या हो रही है, उसके अंतर्गत जो छेद है वो होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि CO2 की जो मात्रा है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो गैसेस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रही हैं। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है पर्यावरण की यह समस्याएं विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा सुलझाई जा सकती हैं। मतलब हर एक देश की जो सरकारें हैं वो इन समस्याओं को सुलझा सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम के ऊपर जो मैंने समस्याएं बताई, तो पर्यावरण की ये जो समस्याएं हैं वो विभिन्न विभिन्न देशों की जो सरकार, जैसे भारत की है, पाकिस्तान की है, अमेरिका की है, हर एक देश की जो सरकार है वो इन मुद्दों को आसानी से सुलझा सकती है। इसलिए इसे राजनीतिक का मुद्दा माना जाता है। इसलिए इसे क्या माना जाता है, इसे राजनीतिक मुद्दा है वो माना जाता है। ठीक बेटा, इसलिए इसको राजनीतिक जो मुद्दा है वो माना जाता है। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है विद्वानों के एक समूह क्लब ऑफ रोम ने, विद्वानों का एक समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक है वो लिखी, एक पुस्तक है वो लिखी क्लब ऑफ रोम ने। और इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है और किस प्रकार जो जो संसाधन है वो घट रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत बताया है कि जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ने के कारण किस प्रकार हमारे जो संसाधन हैं, जो रिसोर्स हैं, उनके ऊपर जो इफेक्ट है वो पड़ रहा है। आगे बात करते हैं, दो एक ही एजेंसी है, UNEP पर्यावरण से संबंधित मामलों पे सम्मेलन है वो करवाएं और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है वो चलाएं। एक तो क्या हो कि जो सम्मेलन है वो चलाए जाने चाहिए, कार्य मतलब सम्मिट है वो होने चाहिए। दूसरी चीज़ बताई गई है कि कुछ प्रोग्राम्स हैं वो भी चलाए जाने चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसने बताई, UNEP ने। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। इसमें पहला आता है रियो सम्मेलन, आज यही डिस्कस है वो करेंगे रियो सम्मेलन के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए रियो सम्मेलन 1992 में, 1992 में हुआ रियो सम्मेलन कहाँ पे, ब्राज़ील का जो शहर था रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो के अंतर्गत है वो हुआ। तो आपसे यही जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है बेटा कि रियो जो सम्मेलन है इसका दूसरा क्या नाम है, इसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी समिट। कब हुआ, कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ, ये चीज़ें। UNO का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर सम्मेलन है वो बुलाया गया था। इसमें 170 देशों ने जो भाग है वो लिया बेटा। कितने देशों ने, 170 देशों ने। इस सम्मेलन में हजार स्वयंसेवी संगठन है वो शामिल हुए, हजारों जो स्वयंसेवी जो संगठन है वो शामिल हुए। स्वयंसेवी संगठन वो होते हैं बेटा जो अपनी खुद अपनी इच्छा से जो काम है वो करना चाहते हो, उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्वयं सेवी संगठन। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे बताया गया है इसमें कई बहुराष्ट्रीय निगम भी शामिल थे, कई बहुराष्ट्रीय जो निगम है वो भी शामिल थे। इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है बेटा, वो है अर्थ समिट। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे बात करूं मैं इस सम्मेलन में 5 वर्ष से पहले, इस सम्मेलन से 5 वर्ष पहले 1987 में, ठीक है ना, 1987 में ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट है वो छापी गई। एक रिपोर्ट है वो आई ओवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके, ठीक है ना, क्या बताया गया, चालू जो तौर तरीके हैं, मैं एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ बेटा, यस हो गया। चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे, आगे चलकर क्या नहीं होंगे, टिकाऊ साबित है वो नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग है वो प्रबल हुई, विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की जो मांग है वो काफ़ी तेजी से बढ़ने लगी, अधिक प्रबल हुई। रियो सम्मेलन में यह बातें खुलकर सामने आई थी, ठीक है ना, जो रियो जो सम्मेलन है ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने है वो आई कि उत्तरी और दक्षिणी
उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देश आमने सामने उनके आमने सामने अलग अलग जो समस्याएं हैं और चुनौतियां हैं। मतलब इन्होंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं उनके सामने और दक्षिणी जो गोलार्ध के जो देश हैं उनके आमने सामने अलग अलग जो समस्याएं हैं वो हैं और चुनौतियां हैं, उनसे कैसे निपटारा है वो हो सकता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक फिगर है वो बना रखी है, आप यहाँ से देख सकते हो। उत्तरी जो गोलार्ध हैं यहाँ पे क्या है, विकसित और धनी देश हैं, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में गरीब और विकासशील देश हैं वो शामिल हैं बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इक्वेटर लाइन, ये जो वाइट वाइट आपको दिखाई दे रही है ये है इक्वेटर लाइन, या जिसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है बेटा, भूमध्य रेखा है वो बोला जाता है। चलिए ये आपको पता चल गया कि कौन कौन से देश हैं। अब इनकी मुख्य चिंता का कारण क्या है, अब मुख्य चिंता का कारण क्या है इनकी मुख्य चिंता का, जो उत्तरी जो गोलार्ध है उनकी मुख्य चिंता का कारण है ग्लोब ओजोन परत में छेद होना। ओजोन जो परत है उसमें लगातार क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना पहली तो है ओजोन और दूसरी है ग्लोबल वार्मिंग, इसका बढ़ना। और दक्षिणी गोलार्ध की लोगों की मुख्य समस्या या देशों की जो समस्या है वो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी को खत्म करना, और दूसरी जो समस्या है वो है पर्यावरण संबंधी। ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को कैसे जो सुलझाया है वो जा सकता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी हम आगे डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। अलग अलग सम्मेलन है उनको भी डिस्कस है वो किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, रियो डी जेनेरियो के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में नए विचार हैं या नियमाचार हैं वो आधारित किए गए। कुछ नियम है वो आधारित है वो किए गए किसको लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, जैव विविधता को लेकर और वानिकी के संबंध में, मतलब वनों से संबंधित। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकसित में विकास के रूप में अपनाया गया, मतलब इसमें इसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है, और इसे एजेंडा 21 के रूप में विकास विकास के कुछ उपाय हैं वो सुझाए गए कि मतलब हर एक जो गवर्नमेंट है उसको छूट दे दी गई कि आप अपने जो कैसे विकास करोगे वो जो चीज़ें हैं कुछ उपाय हैं वो सुझाइए, तो इसे एजेंडा 21 है वो भी कहा जाता है। आगे देखिए आगे इसने क्या बता रखा है, आगे बता रखा है बेटा इसने, इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया है। इसे टिकाऊ विकास का जो तरीका है वो कहा गया है। सम्मेलन इस बात पर सहमति बनी, सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका सही होना चाहिए जिसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब जो एजेंडा 21 में जो रिपोर्ट जो देंगे, जो कैसे विकास करना है कैसे नहीं करना, ये जो सारी चीजें हैं वो कैसे होंगी बेटा, ठीक है ना, कैसे विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, पर उसका जो तरीका वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा जो पर्यावरण है उसको जो नुकसान है वो पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीजें हैं वो बताई गई बेटा। कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण की बजाय आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि की ओर था। हाँ देखिए एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य ही क्या था, पर्यावरण को संरक्षण करना और दूसरा चीज आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पर जो लोग थे उन्होंने इसको दोनों तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया और इसको जो नाम है वो आर्थिक विकास का ही दे दिया कि ये आर्थिक विकास पर जोर है वो देती है, जबकि एजेंडा 21 जो पर्यावरण है उसको उस पर ध्यान है वो नहीं दे पा रही, ये चीज़ें हैं वो बताई गई। कल जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट होगा पार्ट 2 में, विश्व की साझी संपदा इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही था बेटा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।